ऊना पहुंचे जल शक्ति राजस्व सैनिक कल्याण एवं बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जो पंचायतें टीसीपी में शामिल नहीं होना चाहती उन्हें इस दायरे से बाहर करने के लिए सिफारिश की जाएगी। महेंद्र ठाकुर ने टीसीपी से संबंधित जन शिकायतों की गगरेट विधानसभा क्षेत्र अंदौरा मुबारकपुर और कलोह में सुनवाई के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में वायदा किया था कि जो पंचायतें टीसीपी का विरोध कर रही हैं उन्हें बाहर किया जाएगा, इसलिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने टीसीपी से संबंधित जन समस्याओं का निपटारा करने के लिए मंत्री परिषद की सब कमेटी गठित की है जिसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गरीब परिवार से संबंध रखते हैं इसलिए गरीबों के दर्द से भलीभांति परिचित हैं और उन्हीं के निर्देश पर वे आज गगरेट विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। मौजूदा सरकार आम आदमी की सरकार है जो आम आदमी के हित के लिए काम कर रही है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट के चलते उन्हें आने में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास को प्रभावित नहीं होने दे रही है। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने पौधारोपण भी किया। जल शक्ति महेंद्र सिंह ठाकुर ने अम्बोटा में चल रहे कोविड टीकाकरण सत्र का निरीक्षण किया। वह वहां कुछ देर के लिए रुके और टीकाकरण के संबंधित सारी जानकारी भी उन्होंने यहां से हासिल की। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बना था, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार जब सत्ता में 2012 और 17 के बीच थी, पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों ऐसे क्षेत्रों को टीसीपी में डाला गया था जो प्योरली ग्रामीण क्षेत्र है। हमारे जो प्रत्याशी चुनाव में थे, संकल्प पत्र के आधार पर हमारे प्रत्याशियों ने और जो वर्तमान के विधायक हैं उन्होंने उस क्षेत्र की जनता के साथ वायदा किया था कि हम अगर आप हमें चयनित करके विधानसभा भेजते हैं तो हम आपके क्षेत्र को किसी भी दायरे से बाहर करेंगे। सरकार बनने के उपरांत हमारे विधायकों ने जहाँ जहाँ हमारे विधायक चुनकर के आए, जिन जिन क्षेत्रों में कांग्रेस काल में टीसीपी एक्ट जबरदस्ती लागू किया गया था, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय ठाकुर जयराम जी ने उन क्षेत्रों की पूरी रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट मांगने के उपरांत कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया। तो कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे कार्य सौंपा गया। हमने सभी जिलों में जाकर के ऐसे क्षेत्रों में पब्लिक हीरिंग की, आम जनमानस की सुनवाई की कि वाकई में ही वो बाहर जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते। उस दृष्टि से आज का जो दौरा है जिसमें चिंतपूर्णी का कुछ क्षेत्र और गगरेट के 12 पंचायतों के 20 गांव जो इस टीसीपी एक्ट के दायरे में लिए गए थे, आज पब्लिक हीरिंग के दौरान जिसमें डायरेक्टर टीसीपी मेरे साथ हैं, जिलाधीश महोदय हैं, यहाँ के टाउन प्लानर हैं, जो अन्य अधिकारी हैं, आम पब्लिक ने जो इस एक्ट का को हटाना चाहते हैं उन्होंने आम जनता खड़ी होकर के उन्होंने हाथ खड़े करके उन्होंने माना है कि हमें इस एक्ट से छुटकारा दिलाओ। कैबिनेट सब कमेटी जो है वो अपनी रिकमेंडेशन कैबिनेट के अंदर रखेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मंडी जिला का बहुत क्षेत्र जैसे बाहर किया गया है, उसी प्रकार यहाँ का जो क्षेत्र है उसमें भी हमारी सिफारिश है इस क्षेत्र को भी किसी व्यक्ति से बाहर। पूरे भारतवर्ष में आपका विभाग जल शक्ति विभाग नंबर वन होके उभरा है, क्या बिंदु हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए? मैं देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 15 अगस्त 2019 को